तो दोस्तों आज फिर से हम आ गए हैं इंडियन फुटबॉल के और एक नए और दमदार वीडियो के साथ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज क्या क्या अच्छी अपडेट से इंडियन फुटबॉल से जुड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुभदीप एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स 360। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप इंडियन फुटबॉल के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स बनाने में। तो देखिए लास्ट एक महीने से इंडियन फुटबॉल जिन लोगों के हाथ में है वो डेफिनेटली थोड़ा सा तो सुकून देता है, बिकॉज ये जो लोग हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, कहीं ना कहीं इनमें से मेजोरिटी जो लोग हैं इनका रूट फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। एंड भाई कुछ भी हो, ये लोग डेफिनेटली फुटबॉल के लिए तो ज़रूर काम करेंगे, ये मेरा मानना है। एंड अगर आप लास्ट एक महीने से देखेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब देख सकते हैं आप इंडियन फुटबॉल में। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि नेशनल टीम के मैच टेलीकास्ट के लिए हमें प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में, जिनका आपको कुछ ही दिनों में पता चलेगा। तो मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल रात को ही इंडियन टीम वियतनाम के लिए रवाना हो गया है। सिर्फ दो सेंटर बैक संदेश झिंगन एंड चिंगलिंग सना सिंह इंडिया में ही रह गए हैं बिकॉज ऑफ देयर वीसा इशू, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो सॉल्व कर लिया गया है एंड आज रात तक वो लोग भी वियतनाम में पहुँच जाएंगे। और दोस्त कल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर शाहजी प्रभाकरन ने और एक बहुत बड़ी बात रिवील करी है उनकी सोशल मीडिया हैंडल पे, मतलब एक हिंट दिया है कि अब से नेशनल टीम के मैचेस के लिए एक ब्रॉडकास्टर बहुत पहले से ही एडवांस में अनाउंस कर दिया जाएगा, ऐसे दो तीन दिन पहले नहीं। और इसके ऊपर AIFF काम कर रहा है क्योंकि ये बेसिक नीड है देश में फुटबॉल को डेवलप करने का एंड फैंस को और ज़्यादा एंगेज करने का। और दोस्त और एक अपडेट है, AIFF के जो रिसेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग हुआ था कोलकाता में, वहाँ पे जो जो डिसीजन लिया गया था उसके बारे में तो हमने आपको बताया था कल के वीडियो में, बट उस मीटिंग में AIFF के और भी जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ होते हैं उसका भी गठन किया गया था। और उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी होता है वो है कॉम्पिटिशन कमेटी, जो पूरे देश में कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करता है लाइक संतोष ट्रॉफी, सुपर कप एट्सेट्रा। और दोस्तों इस कंपटीशन कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है मिजोरम फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर टेटा हेमार को। एंड अगर आप इंडियन फुटबॉल को इन डेप्थ फॉलो करते हैं देन यू कैन नो दैट टेटा हेमार को मिजोरम फुटबॉल का एक रिवोल्यूशनरी कहा जाता है, जो मिजोरम को इंडियन फुटबॉल के मैप में तगड़े तरीके से लाया है। सो अब न्यू रोल में पूरे देश को टेटा हेमार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा और हमको भी। और दोस्त और एक जो बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंट हुआ है कि नेक्स्ट महीने में फीफा के प्रेसिडेंट मिस्टर जियान्नी इन्फेंटिनो आ रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एंड एक डिटेल डिस्कशन करने के लिए, जिसका मेन एजेंडा होगा इंडिया में फुटबॉल को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या प्लान होगा। एंड फीफा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एक साथ मिलकर इंडियन फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्त कि ये एक स्पोर्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट है, इसीलिए इस मीटिंग के बाद इंडियन फुटबॉल पे और भी फोकस बढ़ने वाला है। तो दोस्त ये था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंडियन फुटबॉल से जुड़े। तो यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।